उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव व अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने 27 मई से 31 मई तक खेलो इंडिया खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत रामगढ़ ताल में होने वाली रोइंग गेम प्रतियोगिता का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के उत्कृष्ट आयोजन में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। खेल मंत्री व एसीएस खेल ने रामगढ़ ताल और वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि खिलाड़ियों व दर्शकों के लिए किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे देश के विभिन्न प्रांतों से आ रहे खिलाड़ी यूपी और गोरखपुर के बारे में अविस्मरणीय यादें लेकर लौटे। जो भी काम शेष है वो दो दिन में 100% पूरा कर लिया जाए। खिलाड़ियों के आने पर उन्हें शानदार माहौल का अनुभव हो। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के रहने, खाने व परिवहन के इंतजाम उत्कृष्ट होने चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में गोरखपुर में पहली बार रोइंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो रही है। इसे सफल बनाने और भविष्य में वाटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नए द्वार खोलने के लिए हम सब की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। टीम वर्क से इस जिम्मेदारी को पूरा कर पूरे देश में गोरखपुर और यूपी का मान बढ़ाना है। इस अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश, सीडीओ संजय मीना, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी रविंद्र मिश्रा, उपनिदेशक संस्कृति डॉक्टर मनोज गौतम, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष दुबे, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा, खेलो इंडिया खेलो यूनिवर्सिटी गेम के जो चार जगहों पर होनी है उसमें गोरखपुर भी है, उसका हम लोगों ने स्थलीय निरीक्षण किया है और जो भी आवश्यक होगा अभी बैठक होगी, समीक्षा बैठक होगी, उसको निर्देश देंगे। किसी पर भी प्रकार से जो भी पार्टिसिपेट करने के लिए आएंगे खिलाड़ी, उनके रहने की, खाने की और उनको यातायात करने में कोई असुविधा न हो, इस दृष्टि से अभी हम लोग बैठक भी करेंगे और उसको निर्देश भी जारी करेंगे। आयोजन को भव्य बनाने के लिए क्या, पूरी भव्यता बनाने के लिए पूरी तैयारी है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और ये पहली बार आयोजन करने का अवसर दिया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और हमारे खेल मंत्री भारत सरकार को, उन सबको बहुत आभार प्रकट करता हूं।